आज हम चाणक्य द्वारा बताई गई उन नीतियों को बताने जा रहे हैं जो विशेष तौर पर विद्यार्थी जीवन के लिए है। हर विद्यार्थी को इन नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन में विद्या यानी शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। अगर चाणक्य की बताई गई इन नीतियों का पालन किया जाए तो विद्यार्थी मनचाही सफलता पा सकता है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त होता है। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। यौवन और सुंदरता से भी ज्यादा शिक्षा का महत्व होता है। यदि आप ज्ञान की तलाश कर रहे हैं तो आराम पाने की आशा छोड़ दें। यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों को त्याग दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। उनसे कभी मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित हो। ऐसी मित्रता आपको कभी प्रसन्नता नहीं देगी। जल के एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। विद्या की अभिलाषा रखने वालों को काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, मनोरंजन, अति निद्रा और अति सेवा, इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसे पीछे से ढकती है और न ही उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा है किसी बुद्धिमान की डांट सुने। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, शक्ति भी उसी के पास होती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जैसे फावड़े से खोदकर भूमि से जल निकाला जाता है, इसी प्रकार सेवा करने वाला विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करता है। व्यक्ति के कर्म उसको महान बनाते हैं, उसका जन्म नहीं। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।